पानी से गोदवा में रहने के लिए जगह नहीं थी इससे पहले, प्रोविजन भी नहीं था। वज़ीरे आला का प्लान यह है कि इसके बाद में जब लड़की की शादी नहीं हो जाती है, यतीम लड़की जो होती है उसमें शादी नहीं होती है, या जो अगर लड़का है तो उसको जॉब जब तक नहीं मिलता है उनके लिए भी कुछ प्रोविज़न करना चाहिए होता है, तो उसको भी हम नज़र में रखते हुए दो मंजिल स्पेशली डिज़ाइन इनके लिए भी रख रहे हैं। जो फैसिलिटीज़ यहाँ रहेंगे, हमारे बच्चों को हमारे घरों में जिस तरह के फैसिलिटीज़ होते हैं उस तरह के फैसिलिटीज़ यहाँ फराहम करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इमारत बनेगा इधर, और उसको एडमिनिस्टर करने का तरीका भी सही होगा। इससे पहले जो जो रन करते थे उसमें जो खामियां थे, जो नहीं कर पा रहे थे हम लोग, उन सबको मुकम्मल तौर पर इसमें पूरा करेंगे, तो अच्छी तरह से चलाने की कोशिश करेंगे। right. इससे पहले 50-60 से ज़्यादा नहीं होते थे। अब इसमें जो हम लोग बना रहे हैं इधर, इसमें 600 में से 320 लड़कियों के लिए और 280 लड़कों के लिए प्रोविजन है। ये बनने के बाद एक अच्छा मिसाल बन जाएगा। ये सिर्फ यहाँ के लिए ही नहीं है, मुल्क भर में जहाँ भी कोई एक अच्छा यतीम खाना कायम करना चाहते हैं हुकूमत की जानिब से और उसको अच्छी तरह से रन करना चाहते हैं, उनके लिए एक मिसाल बन के रहेगा। कितनी इस्क्वायर 1,50,000 का प्लान है। और हमारे दाना किशोर साहब और CEO साहब बकबोट के और जितने जो कमेटी में ऑफिसर्स हैं उन लोग सब मिल के जो है ना हम लोग अंदर मीटिंग करें। मीटिंग में ये तय हुआ कि मतलब जल्द से जल्द काम होने का है, और मैं उन लोगों को डेडलाइन नवंबर तक दे दिया। मैं पहला ऐसा स्टाफ लगा के करे तो और 2 साल में नहीं होता काम, पहला इसको वार फुटिंग पे काम होना है, स्टाफ ज़्यादा लगा के काम करना बोल के अभी बात हुई, तो उन्होंने नवंबर दिसंबर तक देता हूँ बोल के बोल रहे, मगर जनवरी तक इंशाल्लाह ताला कंप्लीट होने के चांसेस है, क्योंकि पैसे की भी कोई ये नहीं है। परसों भी 20 करोड़ रुपये CM साहब जो है ना बकबोट को गारंटी नेट से दिए, तो उसमें से जो है ना पहली प्रायोरिटी हमारी ये रहेंगी कि जल्दी बनना अनिसुल गुरबा का जो है ना, तो इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द पूरी टीम मिलके हम लोग KCR साहब की सदारत में जो है ना एक अच्छा काम हो रहा है अनिसुल गुरबा का, और इस्लामिक कल्चरल सेंटर का भी जो है ना 10 एकड़ का वो भी कन्फर्म होगा, वो भी इंशाल्लाह ताला अनखरीब फाउंडेशन रखेंगे उसका भी कोकापेट में, वो भी गवर्नमेंट लैंड है, वक्फ लैंड नहीं है, वो गवर्नमेंट लैंड 10 एकड़ जो ना इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए दिए, एक दिल्ली में है और इंडिया में सेकंड यहाँ हमारे पास रहेगा वो। इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में जो ना जल्द से जल्द पहले प्रायोरिटी में हमारे को अनिसुल गुरबा है। अभी डिटेल में आपको AK खान साहब तो बताए कैसा रहेगा क्या रहेगा, तो वैसी जो है ना और कमर्शियल सामने मलगियाँ ले रहे हैं, 11 मलगियाँ और एक मलगी 400 स्क्वायर फीट की है, और इसके ऊपर भी जो है ना डुप्लेक्स लेने का था, मगर उसको जो है ना अलग सिंगल अलग कर दे रहे हैं, उसको ऊपर का फ्लोर पे वो भी अलग अलग किराए पे देंगे, और ऑक्शन ओपन ऑक्शन करके देंगे जैसा गवर्नमेंट के रूल्स हैं, अस्पर ला के हिसाब से काम होएगा इंशाल्लाह ताला। वो भी इनकम अनिसुल गुरबा को आएंगी, और अनिसुल गुरबा के तहत जितने प्रॉपर्टियाँ आप इस पे है बशीर अपने बाजार गेट पे है जहाँ जहाँ भी है वो भी हम इमीडिएट खाली कराएंगे, और वो भी वहाँ की आमदनी भी अनिसुल गुरबा के लिए लगाएंगे, बच्चों के लिए इस कॉलेज भी रहेगा, इन लोगों के लिए ये लोग जो भी बच्चों को अच्छा कर सकते हो करेंगे, क्योंकि बाज़ लोग क्या कर रहे थे बच्चों को कहाँ संभालना बोल के अच्छे माँ बाप भी जो ना ला के यहाँ छोड़ के चले आ रहे थे, वैसे लोगों को नहीं लेंगे हम, जो यतीम एसीर रहेंगे बच्चे बराबर उनकी परवरिश गवर्नमेंट के तहत गारंटी नेट के तहत करेंगे, और वकबोट भी जो है ना उसके लिए पूरी तरीके से करेंगे, और ये वकबोट के अंडर में है।